दिल खोलकर इस रेमेडी को प्रिपेयर करके अपने सफेद बालों पे लगाइए दोस्तों, ये आपके बालों को काला करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। वेलकम बैक टू दी चैनल फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेंगे भृंगराज की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मैजिकल है ये दोस्तों, एक धरती पे एक बहुत ही अच्छा हमें कुछ मिला है तो वो है भृंगराज, जो कि हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, बालों को इसे काला बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो भृंगराज का देखिए, आप यहाँ पे पाउडर ले सकते हो, भृंगराज आप लेकर आ सकते हो और ये आप अपने बालों पे लगाएंगे तो फिर बालों आपके जो बाल हैं आपके वो लंबे भी होते जाएंगे, साथ ही साथ बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये देखिए इस तरह से, ये कलर भी आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। जो भृंगराज होते हैं ना दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन, फास्फोरस और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं आपके बालों में, स्कैल्प में। तो एक चम्मच के तकरीबन मीन्स यहाँ पे आपको पाउडर फॉर्म में लेना है, सो एक चम्मच के, दो चम्मच के तकरीबन, जैसे भी आपके बालों की लेंथ है आप उस तरह से इसे ले लीजिए, ठीक है। और अपने बालों पे इसे जब भी आप अप्लाई करते हो दोस्तों, तो इस रेमेडी को अगर बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ देखिए पंसारी की दुकान से मैं लेकर आई थी, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है दोस्तों, 70 रुपये की मिल गई मुझे, 70 से भी कम दाम में मिली थी मुझे। सो इस तरह से भृंगराज आप ज़रूर लेकर आइए, इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज गुण पाए जाते हैं, इसीलिए भृंगराज हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं अगर सफ़ेद बालों की बात करूँ तो सफ़ेद बालों पे तो ये बहुत अच्छे से वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शिकाकाई पाउडर का। बालों को सुथरा रखना है, गर्मियों का मौसम सूर्य दोस्तों आप सभी लोगों को पता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो स्कैल्प होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई, यू नो, एकदम से ऐसे ऑयली हो जाते हैं, और ड्राई स्किन वाले जो होते हैं उनके बाल तो और भी ज़्यादा, यू नो, बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ने लग जाते हैं। तो उनके उसके लिए क्या करना है, आपको शिकाकाई पाउडर का यूज़ ज़रूर करना है। तो भृंगराज में आप शिकाकाई ज़रूर ऐड करिएगा। बालों को अगर काला करने की बात आती है दोस्तों, तो देखिए आप नेचुरल शाइन वाला हेना पाउडर ले सकते हो जो हिमालय का है, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो भृंगराज का यूज किया गया है, आंवला है इसमें और करी लीव से, जो आपके बालों को सॉफ्ट और हेल्दी बना देते हैं, ये काफी अच्छा है दोस्तों। इसमें मेथी, दाना, लेमन, हर चीजों का इसके अंदर मिक्सचर ऐड किया गया है। सारी जो चीजें हैं देखिए, ग्रीन टी है इसके अंदर, हरड़ है, बहेड़ा है, शिकाकाई है, मेथी है, आंवला, करी लिप्स, जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं दोस्तों। और मैं इसे लेकर आई हूँ तो ये मेहंदी है ना हिना, जो काफ़ी अच्छी आपको रिजल्ट देने वाली है। बालों पे अगर सफ़ेद बाल हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करना शुरू कर दीजिए, बालों को काला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये प्योरेस्ट राजस्थानी हिना है ये दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में हिना जो होते हैं वो काफ़ी नेचुरल तरीके से मिलती है, इसलिए मैं हिमालय का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मिल जाए किसी भी अदर ब्रांड का, अगर आप यूज़ करते हो तो भी चल जाएगा, पंसारी की दुकान से आप ये सारी चीज़ें लेकर आइए दोस्तों। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं चाय की पत्ती का पानी, सो आधे कप के तकरीबन आपको यहाँ पर चाय की पत्ती का पानी डाल देना है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा आपको एक पेस्ट बना करके रेडी कर लेना है, ठीक है। आपके बालों की क्वांटिटी आपके हेयर लेंथ अकॉर्डिंग आप इसे बनाइए, प्रिपेयर करिएगा और अमेजिंग सा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बाल आपके लंबे, काले, घने और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं इस तरह से। ये देखिए, मैन, विमेन, बच्चे हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको इसे प्रिपेयर कर लेना है, रेशो मैंने आप लोगों को बता दी है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा, इसे हमें छोड़ देना है कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए, थोड़ी देर के बाद इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क होगा, उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे अपने बालों पे, सफ़ेद बालों पे लगाएं दोस्तों, या फिर आप अपने प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर पर लगाएं। प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग कलर देने वाला है ये, और बहुत ही बेहतरीन सा आपको कलर देखने के लिए मिलता है। सो इसे लगाने के लिए कम से कम आप 20 मिनट लगाइए, 10 से 20 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कलर मिल जाता है आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, यू नो, रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिना का यूज़ किया है। सो दोस्तों, सारी जो चीज़ें हैं आप पंसारी की दुकान से भी लेकर के आ सकते हैं, बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये बालों के लिए, बालों को कलर देने के लिए। ये देखिए कितना प्यारा सा टेक्सचर है ये, और बहुत ही स्मूथ सा है ये, क्योंकि इसके अंदर जो मेथी दाना यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छे से पता चलता है आपको, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है इसकी जब भी आप इसे प्रिपेयर कर लेते हो। तो दोस्तों, इसे लगा करके अपना फीडबैक मुझसे जरूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। बालों को काला करना है तो ये रेमेडी जरूर यूज़ करिएगा।